तारा लोग के लगे तो कोनो काम धंधा बाना दिन भर लेके घूमत रहेगा केने का सीन कैप्चर हो जाए ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो हमारे साथ है हमारा टीम मेंबर लालू और गाइस आज हम लोग जा रहे हैं शहबाज के खेतों में काम कर रहा है। तो लालू से पूछा मैंने कि लालू शहबाज कहाँ है, तो इसने बोला कि खेत में काम कर रहा है। सो मैं तो उसका खेत नहीं देखता हूँ, तो इसलिए इसको लाया हूँ और ये मेरे को बताएगा कि उसका खेत कहाँ है। तो लालू अब चलते हैं, थोड़ा सा उससे मिल लेते हैं, गाइस देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है। सो गाइज आप देख सकते हो कितना मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं ना चारों तरफ गेहूं ही गेहूं दिख रहा है। तो इधर अभी कटने का मौसम चल रहा है गाइज, आप इधर जहां तक देखेंगे वहां तक गेहूं ही दिखेगा। तो चलिए अभी दिखाते हैं शहबाज खेत में काट रहा है गेहूं। उसको बोले नहीं है तो काफ़ी बढ़िया रिएक्शन होगा, क्योंकि बोलेगा कि आज़ाद भी ना बताए इधर क्यों चले आए। तो चलिए गाइज अभी हम दिखाते हैं, और ये लालू हमको रास्ता दिखा रहा है। सो गाइज इधर भी देख लीजिए, और काफ़ी बढ़िया सनसेट आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो और इधर ये भाई जा रहे हैं, ये भी भाई जा रहे हैं गेहूं काटने के लिए। सो गाइज ये भी भाई जा रहे हैं गेहूं काटने के लिए, और अभी हम चल के दिखाते हैं शहबाज को। तो चलिए फिर। सो गाइज ये देख लीजिए लालू जा रहे हैं साइकिल लेकर, हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो घर से बहुत ही मतलब पास में ही है, तो सोचे साइकिल से ही जाए, बाइक इसमें लाने की कोई ज़रूरत नहीं था। लालू और कितना दूर है भाई? वो गाइज जो डबल तरकुल दिख रहा ना आपको, ताड़ का पेड़ है, तो वहीं से मतलब वहीं पर है शहबाज। तो चलिए अभी उसको चल के दिखाते हैं। सो गाइस जब हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, आ गए खेतों के पास, तो अभी उससे मिलते हैं क्या रिएक्शन होता है। सो आप लोग देखिएगा। और हमारा एक टीम मेंबर नहीं आ पाया, थोड़ा सा उसको काम था इसलिए नहीं आ पाया। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं शहबाज का रिएक्शन क्या होता है। आप शहबाज क्या कर रहे हैं शहबाज भाई? अरे यार गजब बेइज्जती है भाई। सो देख रहे हैं ना गाइस ये गेहूं काट रहा है। गलत बात है ये, लेकिन भाई ये ना करे चाहिए यार। कोई नहीं शहबाज भाई, थोड़ा सा बातें होते कर लिया करे यार। कब से आए हो खेत में? चलो सो गाइस अभी आप देख सकते हैं इसका हालत बहुत ही खराब है, देख रहे ना काफी पसीना हो गया। और शहबाज भाई नहीं, वो कैमरे का कमाल है जो फिल्टर से दिखा रहा है, वैसे जरा करीब तो लाओ। ये हाल है फिलहाल। खैर कोई ना, बहुत ही मेहनती लड़का है तो आप। और मेहनती कुछ नहीं है, जो है अपना काम करना चाहिए, दिख नहीं रहा यार फिल्टर की वजह। तो शहबाज भाई कुछ बोलना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर के लिए? क्या बोले, कर दिया बेइज्जती यार। बेइज्जती नहीं है, थोड़ा सा सोचे हाँ, नहीं लेकिन है। यार अपना ये रियल काम है, खेती करते हैं हर चीज़ की, बढ़िया है। और और ये छोटा सा हथियार है, चाइनीज़ वाला घर पे है, क्योंकि चल नहीं रहा था यहाँ पे, थोड़ा सा लग गया है इसीलिए। भाई हाफ पैंट पहने, 25 दिन से भीगा हुआ है पूरा शर्ट, मत दिखाओ। चलेगा कोई नहीं, चलेगा। ये भी भीगा हुआ है मास्क पूरा, तो बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बाकी तो हमने इतना काट दिया है पूरा, और बस थोड़ा सा बचा हुआ है जो व्यू आता है ना, जो व्यू भाई क्या बताएं। तो और ये सनसेट का व्यू देख सकते हो यार, बहुत मजेदार आ रहा है। नहीं अभी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ताड़ का पेड़ से आएगा। अभी नहीं, ताड़ का पेड़ है इधर से। इधर का जो व्यू आता है ना, मतलब काफी दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं देता है, कम से कम 4-5 किलोमीटर तक घर दिखाई नहीं देता है, मस्त एकदम जबरदस्त लगता है व्यू। और जब गेहूं का जब रुपाई होता है बुआई, तो काफी दूर दूर तक सिर्फ हरा हरा दिखता है। तो लेकिन अभी तो आ रहा था मौसम नहीं है, क्योंकि अभी गेहूं कटने का टाइम है, अभी कुछ और ही दिख रहा है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो देख रहा है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हंसी आ रहा मुझे इसको, थोड़ा भाई बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हंसता रहता हूँ। और वीडियो को आई थिंक हमको यहीं पर बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी काटना है और अंधेरा होने वाला है इसलिए। और वहाँ पे मेरा लगा है ड्यूक 390, और बैक कैमरे से दिखा देते हैं आपको, वहाँ पे मेरा लगा है ड्यूक 390। आज़ाद जूम करके दिखा दो उसको, वो मेरा ड्यूक 390 है, आपको जो जो मन करे वो नाम रख सकते हो, लेकिन मैंने उसका नाम रखा है ड्यूक 390। तो पैरों से चलता है वो, पेट्रोल से नहीं। और ये देखो कितना प्यारा सनसेट का व्यू, और सनसेट जो व्यू यार बहुत बढ़िया आता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम में थके हुए हैं। और तो ये अपना जो गेहूं की कटाई है मशीन से करवाए हैं, हाँ खुद से मेहनत नहीं करते हैं। हाँ आके देख रहे थे कि ओके, ओके, ओके।
तो चलिए और गाइज शहबाज अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा मेरे को क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बाकी है काटना है और अंधेरा होने वाला है, इसलिए अंधेरा होने से पहले काट लेना चाहिए और कल कहीं और जाना है काटने, यहाँ से थोड़ा 4-5 वो जो पेड़ है वहाँ पर जाना है। लालू भाई कैमरे से मत हटा कर, ये मेरा भाई है भाई। तो इसी के कहने से आदम आए, तो चलिए कोई नहीं, शहबाज को बुरा नहीं लगा। चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से, और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और लाइक करिएगा, जैसे आप लोग पिछली डांसिंग पे इतना ज़्यादा प्यार दिए गाइस, तो हम लोग काफ़ी खुश है। शहबाज भाई थोड़ा सा बोल दो यार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ बट बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, फिर भी कुछ कहूँगा, जो भी देख रहे यार लाइक कर दो। सो गाइस आप देख सकते हो जितना आपको दिख रहा है गेहूँ पीछे कटा हुआ, ये सब शहबाज ही कटा है, मैंने ये धर्राटे काट दी। ओम्फो। ओम्फो। क्या बात है, तो ऐसे धर्राटे काट रहा हूँ गाना भाई, एगो तो तारलो के ना काम भाना धंधा, हम काम करत रहने गेहूं काटत रहने ताकि लो डिस्टर्ब करे। अरे हाँ हाँ यो नु बा यो नु कॉल आप कोई नहीं लो मरे हो तो ही लगा के फाड़ दे मेरे को तो नहीं। खैर कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा फन ऑन कर लेते हैं, अच्छा ना लगता रहे इतना अंधेरा हो गई है। अरे जाए तो मर, तो कोनो दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं गाइस, या तो ये से कहते हैं चिल। हां तो थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं हम लोग, देसी देसी ना बोलया कर छोरी रे, इस देसी की फैन ये दुनिया, कोनो काम धंधा बाना दिन भर लेके घूमत रहेगा बाकी केने का सीन कैप्चर हो जा ना, क्या रे ललुआ ढेर नेता नेता के बात नहीं के सोचनी है कि ते खेत में गोइल बड़ी। अच्छा। दिखा दियो अपना फ्रेंड लोग के कि भाई एगो हमर का करता ओ ए सपोर्ट बेइज्जती का चाहिए लड़ा ने ढेर आजाद बोलो और बम फोड़ा जाए यूट्यूब पर। सो गाइस कोई नहीं, थोड़ा सा फन उन हम लोग कर लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।